ऐसा तो कई बार होता है कि हम हमारा पसंदीदा कोई मूवी या फिर शो देखने के बाद उसी से रिलेटेड सपना देखते हैं और ज्यादातर टाइम वो सपना कलरफुल होता है। मगर सोचिए, पहले के जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो उस जमाने के लोग जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर कोई मूवी या फिर शो देखते थे तो उससे रिलेटेड सपने आते थे। तो क्या वो सपना ब्लैक एंड व्हाइट में आता था या फिर कलर में आता था, ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री बन चुका था। इसलिए रिसर्चर्स ने इस बारे में रिसर्च किया और फिर इसे सॉल्व कर दिया। और एक बार लंदन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे असली मछलियों के बीच में एक रोबोटिक फिश को छोड़ दिया गया और उसके बाद जो हुआ ना, आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते थे और साइंटिस्ट भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर फनी सा मीम के नीचे एक आदमी का कमेंट होता ही है और वो है जेवियर का कमेंट। तो क्या आप जानते हैं ये जेवियर कौन है, क्या है इस जेवियर की असली कहानी, जानेंगे वीडियो के आखिर में। फैक्ट नंबर वन, आप ऐसे किसी प्राणी के बारे में जानते हैं जो एक एनिमल भी है और उसी के साथ साथ एक पौधा भी है, मतलब एक ट्री भी है। तो इस प्राणी को देखिए, इस प्राणी का नाम है एलिसिया क्लोरिडिका। ये एक तरह का सी स्लंक है जो कि समुन्द्र में रहता है। इसकी खास बात है, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना अपने शरीर में ही बना लेता है और उसी खाने को खाके ये जिंदा भी रहता है। जैसे पेड़ के पत्ते सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना अपने में ही बना लेता है, ये प्राणी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपना ही खाना अपने शरीर में बना सकता है। इसकी और एक खास बात है कि ये देखने में बिल्कुल एक पेड़ के पत्ते जैसा है और काम भी बिल्कुल एक पेड़ के पत्ते जैसा ही करता है, एलिसिया क्लोरिडिका। फैक्ट नंबर टू, रेगिस्तान। ये सब सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि चारों तरफ बस रेत ही रेत होगा और हम समझते हैं रेगिस्तान का रेत मतलब ऐसे पीले कलर के ही रेत होंगे, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। अब इस फोटो को देखिए, इस फोटो में आप जितने कलर के भी रेत को देख रहे हैं ना, ये सभी सहारा रेगिस्तान के ही रेत है। इन 30 कलर के रेत को मिलकर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। सहारा रेगिस्तान में इतने कलर के भी रेत पाया जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, हम लड़कों में एक आदत होता है, हम ज्यादातर टाइम अपना वॉलेट अपने पिछले पॉकेट में रखते हैं, जिससे कि दो तरह के खतरे बनते हैं। पहला तो है चोरी हो जाने का खतरा और दूसरा है आपके हेल्थ रिलेटेड खतरा। क्या होता है कि हम अपना वॉलेट अपने पिछले पॉकेट में रखकर घंटों तक चेयर पे बैठ के काम करते हैं, घंटों तक कहीं पे ट्रैवल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बैठने का ऐसा एक एंगल बनता है, ऐसा फ्लैट हम नहीं बैठ पाते क्योंकि हम अपना पर्स अपने पिछले पॉकेट में रखते हैं। और बरसों तक ऐसा एंगल बनने से हमारे लोअर स्पाइन में, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी की निचले भाग की हड्डी मोड़ जाता है, जिससे कि बहुत ही तेज बैक पेन होता है और कई कई बार तो पेन इतना बढ़ जाता है कि आपको फिजियोथेरापिस्ट की भी हेल्प लेना पड़ सकता है। इसीलिए कई बार बैठते वक्त अपना वॉलेट अपने पिछले पॉकेट से निकाल के अपना हाथ में रखिए या फिर आपके सामने पॉकेट में रखिए, कभी भी पिछले पॉकेट में ना रखिए। फैक्ट नंबर फोर, एक बार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी ने मछलियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे असली मछलियों के बीच में एक रोबोटिक फिश को छोड़ दिया गया, ये देखने के लिए कि रोबोटिक फिश के साथ वो मछलियां कैसा बर्ताव करती है। तो जब रोबोटिक फिश को उन मछलियों के बीच में छोड़ा गया तो उन मछलियों ने उस रोबोटिक फिश को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे दूसरी मछली को अपने बीच में एक्सेप्ट कर लेती है। मगर साइंटिस्ट को ये बात हैरान नहीं किया, हैरान इस बात ने किया कि उन मछलियों ने सिर्फ उस रोबोटिक फिश को एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उसे अपना लीडर भी मान लिया। मानो वो रोबोटिक फिश उन मछलियों का राजा हो, क्योंकि वो रोबोटिक फिश जहां भी जाने लगी वो मछलियां उस रोबोटिक फिश को फॉलो करने लगी और इसी बात ने उन साइंटिस्ट को चौंका दिया था। फैक्ट नंबर फाइव, आपने कभी बटरफ्लाई 88 के बारे में सुना है? तो इस बटरफ्लाई को देखिए, इसका नाम है बटरफ्लाई 88। इसके पंख की अमेजिंग डिजाइन को देखिए, देखिए लग रहा है किसी ने 88 नंबर को इसकी पंख पर लिख दिया है। ये बटरफ्लाई ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको जैसे देश में पाया जाता है। कई कई बार ये बटरफ्लाई तो 80 और 89 नंबर में भी पाया जाता है। ये बटरफ्लाई नेचुरली 88 नंबर के साथ ही पैदा हुआ है। इस बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है एनास 88। फैक्ट नंबर 6, हार्ट अटैक से डेथ रेट इंक्रीज होने की वजह से रिसर्चर्स ने एक रिसर्च किया और करके देखा कि हफ्ते का कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है। पता है वो दिन कौन सा निकला? वो दिन था मंडे, यानी कि सोमवार। सोमवार के दिन हार्ट अटैक रेट 11% इंक्रीज हो जाता है और इसके अलावा थर्सडे और फ्राइडे भी हार्ट अटैक रेट इंक्रीज हो जाता है।
और अगर महीनों की बात करें तो दिसंबर महीना एक ऐसा महीना है जहां पर सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है और जुलाई महीने में सबसे कम हार्ट अटैक होता है। फैक्ट नंबर 7, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना कि किसी रेस्टोरेंट में जाके भरपेट खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद उतना ही प्राइस पे करेंगे जितना प्राइस हमको ठीक लगेगा उस खाने के लिए। तो ऐसा ही एक रेस्टोरेंट अमेरिका में भी है। इस रेस्टोरेंट का नाम है सेम कैफे रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि यहाँ पर कस्टमर को जो मेनू कार्ड दिया जाता है ना, वहाँ पर खाने का प्राइस नहीं लिखा रहता है। कस्टमर पेट भर के खाने के बाद जो प्राइस ठीक लगेगा वो प्राइस पे कर देगा और रेस्टोरेंट वाले उसी प्राइस को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। मानिए मैंने एक कप कॉफी खाया और कॉफी खाने के बाद मुझे लगा इस कॉफी का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए, तो मैं 100 रुपए पे करूंगा, रेस्टोरेंट वाले उसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और किसी दूसरे ने वही कॉफी खाया और उसे लगा इस कॉफी का प्राइस तो 10 रुपए होना चाहिए, तो वो कॉफी खाने के बाद 10 रुपए पे करेगा, तो रेस्टोरेंट वाले उस 10 रुपए को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस रेस्टोरेंट की और एक खासियत भी है, अगर खाना खाने के बाद किसी के पास पैसा नहीं होता है ना, तो उसे सेम कैफे रेस्टोरेंट में बस 1 घंटा काम करना पड़ता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे कस्टमर खाना खाने के बाद खुद ही प्राइस डिसाइड करता है। अगर पैसा ना भी होना तो 1 घंटा काम करने के बदले में फ्री में खाना भी खा सकता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कभी कभी पत्थरों में भी ह्यूमन फेस बन जाता है? बिल्कुल ऐसा ह्यूमन फेस। जापान में इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक म्यूजियम बनाया गया है, पत्थरों का म्यूजियम। उस म्यूजियम में जो भी पत्थर है सब ह्यूमन फेस जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा। और ये सभी पत्थर नेचुरली ऐसा ह्यूमन फेस जैसा दिखता है। मुझे पर्सनली ये पत्थर बहुत ही कूल लगा। और इन दोनों पत्थरों को देखिए, देख के लग रहा है ना कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, हम सोते वक्त जो सपना देखते हैं ना, उसे लेकर 2 तरह के मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपना ब्लैक एंड व्हाइट होता है और कुछ लोग मानते हैं सपना कलरफुल होता है। तो इसी से रिलेटेड एक रिसर्च किया गया कि पहले के जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर कोई मूवी या फिर शो देखने के बाद जब उससे रिलेटेड सपने आते थे, तो क्या वो सपना ब्लैक एंड व्हाइट में होता था या फिर कलर में होता था? तो इस रिसर्च में पता चला कि उस जमाने में अगर 100 लोग सपना देखते थे तो 70% लोग ब्लैक एंड व्हाइट में सपना देखते थे और बस 30% लोग कलर में सपना देखते थे। इसके पीछे रीजन था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की वजह से ही 70% लोग ब्लैक एंड व्हाइट में सपना देखते थे। और जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी रिप्लेस हुआ, तब ज्यादातर लोग कलर में सपना देखने लगे। अभी आप सोचिए कैसे बस एक टीवी का ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो जाने के वजह से इंसानों का सपना देखने का स्टाइल भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में हो गया। फैक्ट नंबर 10, हर फनी मीम के नीचे एक आदमी का इंटरेस्टिंग सा फनी कमेंट होता है, और वो है जेबियर का कमेंट। लोग जेबियर के कमेंट को अलग से ही प्यार करते हैं। यहीं पर एक सवाल आता है कि ये जेबियर असल में कौन है? बहुत से YouTube वीडियो में लोग ये दावा करते हैं कि जेबियर पहले इंडिया से था, फिर बाद में इंडिया छोड़ के चला गया और फिर ट्विटर पे पोकालू पपीटो नंबर अकाउंट बनाया। मगर जेबियर की असली सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा। जेबियर की कहानी स्टार्ट होती है 2013 में। असल में 2013 में ट्विटर पर एक अकाउंट बना पोकालू पपीटो नाम का, और उस अकाउंट से फनी मीम और फनी वीडियो पोस्ट होने लगा और लोग उन मीम और वीडियो को बहुत ही पसंद करने लगे। और उन मीम और वीडियो के नीचे जेबियर नाम का एक आदमी बहुत ही फनी कॉमेंट भी करता था और लोग उसे भी बहुत ही पसंद करते थे। फिर आया साल 2015। 2015 में ट्विटर पे उस अकाउंट पर 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए थे और फेसबुक पर भी बहुत सारे फॉलोअर हो गए थे। और वहीं पर लोगों को एक झटका लगा, क्योंकि सडनली 2015 में पोकालू पपीटो या फिर जेबियर जो भी बोले, वो अकाउंट फेसबुक से भी डिलीट हो गया और ट्विटर से भी डिलीट हो गया। और यहीं पर एक कहानी सामने आया। साल 2013 में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चैलेंज दिया था कि अगर वो ट्विटर पर 5,000 से भी ज्यादा फॉलोअर गेन कर पाता है तो वो उसे $1,000 मतलब इंडियन रुपए में 74,000 रुपए गिफ्ट करेगा। और यहीं पर इस चैलेंज के चलते बना ट्विटर पे पोकालो पपीटो नाम का वो अकाउंट, और फिर उस अकाउंट से फनी मीम और फनी वीडियो पोस्ट होने लगा और लोग भी उन फनी मीम और वीडियो को बहुत ही पसंद करने लगे। फिर बाद में उसने वो बेट जीत भी लिया और उन $1,000 को गैस स्टेशन में इन्वेस्ट कर दिया, और 2015 में वो अकाउंट डिलीट कर दिया। पोकालो पपीटो नाम का अकाउंट ट्विटर से डिलीट हो गया। मगर तब तक पोकालो पपीटो या फिर जेबियर जो भी बोले, इनको लोग इतना पसंद कर चुके थे कि जेबियर इन इमेज से लोगों का आवाज बन गया। लोग जेबियर के नाम पर वीडियो बनाने लगे, जेबियर के नाम पर
मीम बनाने लगे और फिर उन्हें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे। और तब जाके लोगों के मन में एक सवाल आया कि कौन है ये जेवियर। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता है कि जेवियर असल में कौन है, ये आदमी कहाँ रहता है, कौन है, किसी को नहीं पता। जेवियर आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया है। मगर उसे हमसे क्या, हम तो जेवियर के कमेंट खूब देखते हैं, जेवियर के कमेंट के मजे भी खूब लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जेवियर के कमेंट के मजे तो आगे भी मिलेगा, मगर आप वीडियो के मजे लेना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऑब्वियसली हो सके तो एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।